हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे। तो भाई लग रहा है रात हमारी एक मुर्गी कुड़क हो गई थी, वो वाइट और ब्लैक वाली, लेकिन सही जगह नहीं है उसको बिठाने के लिए, उसको लिए कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अब दूसरी मुर्गी भी लग रही है कुड़क, वो मार रही है। अब एक काम करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ लाना पड़ेगा, जगह नहीं है इनको बिठाने की, कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरा ख्याल कुड़ा को गई है, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही, उठ भी नहीं रही वो अपनी जगह से जहाँ बैठी हुई थी। चलो एक काम करते हैं, पहले चूज़ों को थोड़ा सा खोल देते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लें, फिर इनका देखते हैं क्या करना है। ये भाई निकल आए। हाँ किसके हैं? मेरे हैं। जाओ इसको पकड़ो, कुकू को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो उसको 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 बड़े वाले को पकड़ो। लो भाई ये इसको पकड़ने से डर रहे हैं। अब एक काम कर रहे हैं, हम जैसे एक टोकरा ले आते हैं जिसमें एक मुर्गी को तो बंद करें, क्योंकि दूसरी भी मेरे घर उठ नहीं रही, कोशिश करते हैं उठाने की, पूरा कुछ बढ़िया रहता है। हाँ जी आप क्या कहते हो? पहले एक मिनट कोशिश करते हैं दोबारा उसको उठाने की। वरिषा देखो पीछे खड़ा हुआ, दोनों मारेंगे मारेंगे दोनों। आवाज दे रही है, इसको पकड़ पकड़। नहीं पकड़ती भाई, डरती है। उम्र की चूजों के साथ घूमी है, इसको देखते हैं ये कूड़ा क्या है या क्या है, लेकिन ये मारती है यार वो। ये हमारा बुगी बुगी खड़ा है, बुगी बुगी चल भाग जा भाग जा। यार ये हाथ नहीं लगाने दे रही। तो अच्छा यार अब हम करने ऐसे लगे हैं, नीचे जाते हैं घास लेके आते हैं, इसके अंडे लेके आते हैं, इसको ना हम सामने बिठाएंगे पिंजरे में। ओ जो सामने पिंजरा पड़ा हुआ है, ओ ये वाला पिंजरा, इसको इसके अंदर बिठा के यहाँ पर रखते हैं, फिर जाते हैं टोकरा लेके आते हैं जिसके नीचे मुर्गा रखते हैं। सबसे पहले इनको अंडों में बिठाते हैं, इसको भी उठा कर अंडों में सही तरह बिठाते हैं, फिर चलते हैं अभी घास उठा कर जाते हैं। भैया हम घास तोड़ के ले आए हैं, हमें करना यह है कि ये फिर अपने बच्चों को लेके बाहर आए, वो टायर उठाना है, उस टायर में अपने इसके नीचे रख के उसके अंदर घास रख के उसमें अंडे रखने, फिर उसको बिठाना है। चलो करते हैं, चलो चलो चलो। ये भाई इतनी मिट्टी, चले जाओ यार यहाँ से। वो उस मुर्गी को तंग करने पहुंच गया। आए ये बैठी है भाई, इसको उठाना मुश्किल इस वजह से वही बोलो, वो उसके अंदर नहाने पहुंच गई है। यार मारी ना, उधर से वो भी खड़ी हो गई है।
चूहे यार, ये चूहे मार दे भाई, तो बंद कर दे तुम यार, अकेला बंदा उड़ रही है, तमाशे इधर इनके खत्म नहीं हो रहे। ये तो मट्टी में खेलने आ गई अब, लेकिन है कूड़ा, इसको उठाना मुश्किल है। पहले एक काम करते हैं, ये अंडा उठा लो, और ये शोर की शोर मचाई जा रही है। चलो उठ गई उठ गई उठ गई, ये पड़े इसके नीचे 5 और 3 8 अंडे, जल्दी जल्दी से इसको उठा लेते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, बल्कि ये प्लेट ही नीचे उठा लेते हैं। ये वो जल्दी से वो वहाँ पहुँच गए सारी, जल्दी जल्दी से अंडे उठा लें। एक काम करना है, देखो यहाँ रखा, अब इनको हटाना है यहाँ से, हटो हटो, ये यहाँ रखे, निकाल दिया मिट्टी वाला सारा, ये घास उठा ले, घास बीच में रख के, घास बीच में लगा दी, अब अंडे रख देते हैं। प्यार से सुकून से ये 5 7 और ये 8, चलो भाई ये पड़ा है उस मुर्गी का, लोग एक मुर्गे का काम तो हो गया, लेकिन अब इसको उठा के इसको उठाना है, वो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं दोबारा बैठेगी नहीं बैठेगी, अंडों की सब करेगी कि नहीं करेगी, चलो इसको कोशिश करते हैं, चलो 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 अंडों पे बैठ यार, ये ऐसे नहीं बैठेगी, इसको उठा के ढकना पड़ेगा, लगो कर लेते हैं फिर अगली मुर्गी का घर बना लेते हैं जल्दी से, चलो पहले इसको ढकते हैं। तो भाई बड़ी मेहनत और मुश्किल के बाद ये पकड़ी गई है, अब इसको बिठाते हैं फिर देखते हैं कि बैठती है कि नहीं, बिठाते हैं। तो यार भाई अब हमने एक काम कर लिया, इसको तो अंदर ढक दिया है, और ये अभी नीचे घूम रही है, अंडों पे नहीं बैठी, चलो 5-10 मिनट तक या आधे घंटे तक, घंटे तक बैठ जाएगी, इसको क्या छोड़ देंगे। अब एक काम करते हैं, दूसरी मुर्गी का घर बना के उसको जल्दी से करते हैं, ये ना उसका भी कोट टूट जाए और अंडे जाया, जल्दी से घास लेके आते हैं और फिर उस मुर्गी को बिठाते हैं। लो भाई जान, ये रहा घास और ये रहा ये रहे इसके अंडे, ये काम करना जल्दी से घास को अंडे लगाते हैं, अंडों को उसके अंदर रखते हैं, पता नहीं बैठती है कि नहीं, पर नीचे चक्कर लगाते हैं, मेरे को जाने का नहीं, चलो जल्दी से लेकर। तो लो जी भाई जान, इसके अंडे ये रख दिए और ये खुद ये खड़ी हुई है, अंडों को देख रही है, पता नहीं देख रही, लेकिन करना तो यही पड़ेगा, इसको भी पकड़ बिठाना पड़ेगा, अंदर मुर्गा बंद किया तो मुर्गी भी शोर मचा रही है, पता नहीं क्यों। अब ये अभी इसके अंदर देख रही है, जा तू उधर जाके बैठ जाना, जा जा यार, नहीं यार ये भी ऐसे नहीं बैठ, इसको भी पकड़ के बिठाना पड़ेगा, चलो वे काम करते हैं, इसको पहले पकड़ते हैं, ये बैठी है, ये भी साइड पे खड़ी हुई है अभी तक, चलो देखते हैं क्या करना है इसका, पहले एक काम करते हैं इसको पकड़ के बिठाते हैं, फिर ये ना उसे पूरा तोड़ के खड़ी हो गई, पकड़ के बिठा के बंद करके फिर नीचे चलते हैं। लो जी हमने अब इसको भी पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से भाई गर्मी से मारा है, इसको बिठाते हैं, छोड़ के इनको अकेला चले जाते हैं बिठा के, अच्छा 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 छोड़ के इनको नीचे जाते हैं, फिर अगर बैठने से फिर फिर आएंगे शाम को चलते हैं। ये भी अंदर ऐसे बैठी हुई है, अब जा रही है अंडों के पास, पता नहीं, चलो वो तो गई अंडों पर बैठ गई, बस इसका इंतज़ार है, इसको मैं बांध दूँ फिर चलते हैं नीचे, फिर देखेंगे शाम को आएंगे, ताकि ये बैठ जाए सब उनसे ईजी हो जाए फिर।
तो हेलो भाई जान, हम वापसी आ गए। ये वो एक बंदा खड़ा है जो 40 करता होता था, वो अब नहीं करता। चल। हाँ तो भाई, आज काली मुर्गी ने किया हमारे साथ प्रैंक। ये वाली, ये अंडों पे बैठी, इसने अंडे पहले अंडे पे बैठी रही कुड़ा को, के फिर जब ये इसको दोबारा बहुत सारे अंडे दिए, एक दो अंडे बीच में खा दी। ऐसी कोई कमी नहीं है भाई। गुड्डा ऐसी बातें पबड़ी में लड़ाते होते भाई। ये बैठ गई अंडों पे, ये बैठी हुई अंडों पे, ये तो बच्चे भी निकल गए, बैठे हुई है। हाँ, उसके बच्चे दिखाए हुए, उसको बंद कर दिया। तो भाई ये था हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अल्लाह।